हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रिस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस दैट आपके लिए क्या आने वाला है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ मे। ओके एंड ये पूरा एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है, जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। Let's see, let us start here. What is coming for you guys? And मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। ओके ओके लेट्स सी एक्वेरियस दैट यूनिवर्स सबसे पहले आपके लिए क्या लेके आना चाहते हैं, क्या मैसेज है। डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर। The first energy I'm feeling here, कभी कभी you know, हम लोगों के आसपास के लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिससे हम लोगों को भी एक सबक मिलती है या एक सीख मिलती है, एक लेसन मिलता है। एंड एक्वेरियस आई फील लाइक यूनिवर्स इस टाइम पे आपको यही कह रहे हैं दैट इस 15 दिनों में इस बात पे फोकस करना कि आपके लाइफ में, आपके आसपास के लोगों के बीच में किसी के लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा होगा या कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी चेंजेस आ रहा है, कुछ भी हो रहा है जिससे आपको कुछ सीखना है, जिससे आपको एक लेसन सीखना है। क्योंकि अगर आप उस लेसन को नहीं सीखते हो देन आपको वो खुद गो थ्रू करके सीखना पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये कोई बहुत डरावनी चीज़ नहीं है। इट्स अ सिंपल थिंग, यू नो, मे बी किस समय कैसा अपना एनर्जी को कैसे काम डाउन करना है या किस सिचुएशन में क्या बोलना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वट एवर, कुछ भी हो सकता है, कोई सिंपल सा चीज़ भी हो सकता है। बट व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज़ लाइक यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखना, उसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ये जो भी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा ये आपको बहुत बहुत जगहों पे हेल्प करेगा लाइफ में, अभी नहीं फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। सो बी वेरी ओपन एंड केयरफुल। ओके नाउ ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट देर इज़ समथिंग जो आप बार बार ना रेजिस्ट कर रहे हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज, कुछ जो आपको लग रहा है कि होना चाहिए, करना चाहिए, बोलना चाहिए, बट आप नहीं बोल रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप या तो टाल रहे हो चीज़ को कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, जब होगा तब देखा जाएगा, जब वो नौबत आएगी तब कुछ कर लेंगे, तब नो, यू कैनॉट डू दैट। कुछ है जो आपका इमीडिएट अटेंशन चाहता है, लाइक इमीडिएटली आपको उस चीज़ के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। कोई भी चीज़ हो सकता है, आपका पढ़ाई लिखाई, एडुकेशन, वर्क, हेल्थ, फैमिली, लव लाइफ, वॉट एवर, फाइनेंस, बट इस चीज़ को आपका इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। इसे आप टाल नहीं सकते, इसे आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें टालने से ख़त्म नहीं हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम टालते रहोगे तो उसका सल्यूशन ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। सल्यूशन तभी निकलेगा जब आप उसका सामना करोगे, जब आप उस प्रॉब्लम को फेस करोगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फेस द सिचुएशन। रन अवे मत करो, भागो मत इस चीज़ से। ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती है जिससे आप भाग रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग। ओके ऑल्सो आई एम हियरिंग दैट इस टाइम पे आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज्ड रखना इम्पोर्टेंट है। आप इस टाइम पे बहक सकते हो, यू नो, लोगों के डिस्ट्रैक्शंस में लोग आपको चार बात बोले एंड मैनिपुलेट कर लिए, आपका ब्रेन वॉश हो गया, या फिर कोई और इंसान को देख के आप बह सकते हो उस एनर्जी में कि कोई इंसान अपना समय वेस्ट कर रहा है दिन डे आफ्टर डे एंड आप भी वही कर रहे हो उस पर्सन के एनर्जी में रह के, उस दोस्त के साथ बैठ के आप भी अपना समय को वेस्ट कर रहे हो। कोई इंसान है जो मे बी आपको कुछ गलत सलाह दे रहा है एंड आप उसे मान रहे हो या आप उसको मान रहे हो, लाइक वो सलाह आप ले रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आप इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे हो, आप अपने जगह पे सही हो, आप अपने पाथ को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी सारा होगा लेकिन आपको उसको समझना है एंड सही डिसीशन लेना है, अपने आप को उस ट्रैक पे कायम रखना है। ठीक है, इधर उधर नहीं जाना है। नाउ कमिंग टू योर करियर फाइनेंसेस, लेट्स सी। ओके वी हैव अ मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14। तो 14th में या 4th में
फर्स्ट में, फिफ्थ में, ये सब डेट्स इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बट स्टिल ओके. नाउ व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ दैट एक्वेरियस, यू आर काइंड ऑफ कंसर्न. आई एम हियरिंग दैट कुछ है आपके एक्सपेंसेस को लेके आप कंसर्न हो. इट्स समथिंग विथ योर एक्सपेंसेस. या तो आपको डर है कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपके ऊपर आ गया है, या फिर आपको डर है दैट आपने कुछ लाइक बहुत महंगा परचेज कर लिया है एंड मे बी आपको उसका EMIs देना है, उसके इंस्टॉलमेंट्स पे करने हैं, या फिर कोई ऐसा खर्चा मे बी हो सकता है इस टाइम पे. सो बी वेरी केयरफुल दैट कोई भी डिसीशन, कोई भी एक्शन जो आप अपने करियर में, अपने फाइनेंशियल जगह पे ले रहे हो, बहुत सोच समझ के लेना है आपको. कोई भी टाइप का रिस्क वगैरह इस टाइम पे नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं. फॉर सम ऑफ यू, यू नीड टू बी अवेयर, स्पेशली जो लोग बिजनेस में हो या प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह के बीच में आप रहते हो, बी वेरी केयरफुल दैट ऐसा कोई चीज़ नहीं है आपके बिजनेस वगैरह में जहाँ पे आप, जिसको आप अनदेखा कर रहे हो. मे बी कोई खर्चा, मे बी कोई खरीदी जो आपको लग रहा है दैट हो जाएगा, कर लेंगे वगैरह, बट आपने प्रॉपरली उसे प्लान नहीं किया है. आप बिना प्लानिंग के ही कुछ कर रहे हो, आप बिना फिनेंशियल स्ट्रैटेजी के कुछ डिसीशंस ले रहे हो, तो आपको दिक्कत आ सकती है. ओके, वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है, बट जो लोग यहाँ पे बिना सोचे समझे एक्शन वगैरह ले रहे हो, उन लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है. Also something I will say that for some of you it's like a debt, you know, कोई कर्जा, या आपको लग रहा है कि जितना भी आप मेहनत करते हो आपका सारा पैसा निकल जाता है, आपका सारा मेहनत आपके responsibilities के पीछे चला जाता है, आपके ज़िंदगी के पीछे चला जाता है. सो आप kind of अपना ड्रीम लाइफ नहीं जी पा रहे हो. लाइक कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, whatever, आपकी जो कमाई है उसको आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो. ओके, दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग एट, कि आपको लग रहा है कि आप एन्जॉय नहीं कर पा रहे हो. हाँ, आप अपने लाइफ को सस्टेन कर रहे हो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, आप अपना लाइक खुद को जिंदा रख रहे हो काइंड ऑफ, बट आप एन्जॉय नहीं कर रहे हो. आप लाइक फॉरेन टूर में नहीं जा रहे हो, आप काइंड ऑफ हर दिन अपने मनपसंद का कुछ नहीं कर रहे हो, वट एवर इट इज़. अब हर किसी का नज़रिया अलग होता है, बट आई विल टेल यू समथिंग इज़ दैट, कि अगर आप दो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है. नंबर वन, कि आपको फिनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, ये सब पे ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो ये देख रहे हो, आप लोग ये चीज़ नहीं करते. आप जितना भी बोलो, आप जितना भी सोचो, दिमाग में हिसाब करना, दिमाग में बजट बनाना सेम नहीं है. यू नीड फिनेंशियल प्लानिंग, ठीक है, एक है, ये है एक नंबर वन. नंबर टू इज, आपको देखना है कि आप एसेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो या नहीं. डोंट फोकस ऑन लाइबिलिटीज. इस पे, इसके ऊपर फोकस मत करो दैट मैं अपना लाइफस्टाइल अच्छा बना लूंगा. नहीं, पहले एसेट बनाओ, पहले ये देखो कि आपके पास क्या है, एसेट क्या है, घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, इस सब पे ऊपर अगर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो जाके आपको एक सेटिस्फैक्शन आएगा. मे बी आज नहीं, आपको ये एसेट बनाने में शायद और 5 साल लग सकते हैं, बट 5 साल के बाद भी आप इस जगह पे नहीं होंगे. इतना आपको लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ किया है, अचीवमेंट आपको तब फील होगा. अब आप क्या कर रहे हो, आप मे बी जितना भी आपका फाइनेंसेस है उसको आप मेजॉरिटी खर्चा मे बी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओवरऑल लाइफस्टाइल के ऊपर जा रहा है. महंगे कपड़े, या अच्छा रेस्टोरेंट में जाना, या कुछ पार्टीज, या दोस्त, या ये या वो. सो दोबारा सोचो कि क्या 5 साल बाद आप यहीं पे रहना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो. दोबारा सोचो. ओके, बाकी देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उन लोगों के लिए है जो इस जगह पे हो. जो लोग नहीं हो, डोंट वरी. ओके, Now coming to your love situation, let's see what is your energy first. Four of Cups, okay. Aquarius, I see you not being bothered. Hmm.
आई फील लाइक एक्वेरियस देर इज दिस एनर्जी विच टेल्स मी कि आप इस टाइम पे आपका मेन फोकस कहीं और है. लाइक इवन इफ अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, आई सी लाइक आप इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो या आप इसमें खुश नहीं हो. इट्स लाइक आपको लग रहा है कि ये 100% नहीं है, ये वो प्यार नहीं है जो आप डिज़र्व करते हो, ये वो रिलेशन नहीं है जो आप डिज़र्व करते हो, या आपको लग रहा है दैट यू नो योर पर्सन. लाइक आई एम हियरिंग दिस एनर्जी वेयर इट फील्स लाइक आपको लग रहा है देयर इज अ सेंस ऑफ रिग्रेट कि मैंने ये क्यों किया, मैंने या तो इस पर्सन को हाँ क्यों कहा या ना क्यों कहा, या मैंने क्यों शादी कर ली या वॉट एवर. बट देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ आपको लग रहा है कि अब क्या, अब मैं क्या करूँ. ये एनर्जी है आपकी, अब मैं क्या करूँ. शुड आई वेट एंड वॉच, शुड आई मूव ऑन, क्या मैं सच बोल दूँ, क्या मैं ना बोलूँ, क्या मैं कोशिश करूँ, क्या मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, क्या करूँ मैं. बिकॉज वॉट एवर दिस इज़, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर कोई पर्सन है आपके माइंड में, आई सी आपको लग रहा है आप सेटिस्फाइड नहीं हो. कुछ लोग तो खुश भी नहीं हो, कुछ लोग खुश भी नहीं हो, सेटिस्फाइड भी नहीं हो, बाकी के कुछ लोग हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है. शायद आप खुश हो क्योंकि प्यार है, आप केयर करते हो, आपको लगता है इसके इस पर्सन के बिना आप नहीं रह सकते, वो सब ठीक है. बट आप खुश नहीं लग रहे या आप सेटिस्फाइड नहीं लग रहे, आपको लगता है कि मैं तो ऐसा डिज़र्व नहीं करता या करती, मुझे तो इससे बेटर मिलना चाहिए था, मुझे तो इससे बेटर एनर्जीज चाहिए थी, मैंने तो इससे बेटर कुछ मैनिफेस्ट किया था, या मैं जितना एफर्ट देती हूँ मुझे बदले में उतना तो एफर्ट नहीं मिलता है, उतना प्यार नहीं मिलता है, वट एवर. सो यू आर लाइक थिंकिंग, आप उस थिंकिंग एनर्जी में हो कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या बोलूँ, करूँ या ना करूँ. बट आप थोड़े से बोर्ड हो, लाइक यू आप इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते, आप अपने लव लाइफ को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस भी नहीं देना चाहते इस वक्त. आप थोड़ा अकेला रहना चाहते हो, आप थोड़ा अपने आप के अंदर रहना चाहते हो. यू डोंट केयर कि ये पर्सन क्या सोचते हैं, यू डोंट केयर कि दुनिया बाहर में जाए, मुझे अब अपना ही देखना है, मैं कैसे खुश रहूँ, मैं अपना लव लाइफ कैसे ठीक करूँ. ये है आपकी एनर्जी. अब आपके पर्सन की एनर्जी को अगर देखा जाए, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके ना, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ इंटरेस्टिंग. कुछ लोगों के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी दैट अगर एक्वेरियस, अगर आप सिंगल हो, अगर आप सिंगल हो, आई कैन सी दैट आप लव में फ़िलहाल तो इंटरेस्टेड हो ही नहीं. ओके, ऑन द अदर हैंड कोई है जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इंटरेस्टेड है. मे बी आप इस पर्सन को जानते हो, मे बी आप नहीं जानते हो, डजेंट मैटर. बट देर इज़ समबडी जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी है, फोकस्ड भी है. ये पर्सन आपको लेके लाइक डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, लिटरली अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हैं आपको लेके, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक, लाइक इट्स ऑलमोस्ट दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू. ये पर्सन ऑलमोस्ट ऑब्सेस हो गए हैं आपको लेके. जो ओके एक्वेरियस, इफ़ यू आर सिंगल स्पेशली उन लोगों के लिए. बाकियों के लिए मैं कहूँगी अगर आप इनके साथ रिलेटेड हो, रिलेशन वगैरह में हो, या कोई भी लाइक हिस्ट्री है यहाँ पे, ये जो इंसान है, फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोग हैं यहाँ पे, आई विल से दिस, ओके, टेक इफ दिस रेजोनेट्स, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि ये आप ही का सिनेरियो है. बट दिस पर्सन हैज़ ऑप्शंस. ओके, ये पर्सन काइंड ऑफ अपने आप को सिंगल दिखा रहे हैं या अपने आप को लाइक, आई डोंट फील लाइक ये पर्सन लॉयल है उतना ज़्यादा जितना आप सोच रहे हो या जितना आप चाहते हो. बट दिस पर्सन इज़ नॉट अ वेरी लॉयल पर्सन. तो ये हर किसी के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी. एंड अगर ऐसा है तो आपको ऑलरेडी पता है, सो डोंट पैनिक. अगर आपको शक है, अगर आपको पता है, तो यू आर राइट. ओके, बाकियों के लिए ये पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्टेड है, बट प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये पर्सन बहुत ही लाइक इन एंड आउट वैसा इंसान है कि इनका स्टेबिलिटी से कोई संबंध नहीं है, इनका मैरिज से कोई संबंध नहीं है, इनको जब जो मन करता है ये तब वही करते हैं, इनको हमेशा मजाक सूझती है, इनको हमेशा लाइक एक अच्छा टाइम स्पेंड करना होता है, बट इन्हें कभी फ्यूचर के बारे में बात नहीं करना होता, इन्हें कभी लाइक ये कभी स्टेबलाइज नहीं करते हैं, जिस वजह से आप थोड़े से एनॉयड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, इरिटेटेड हो. सो आप भी इस पर्सन को ज़्यादा लाइक
ओवर शेयर नहीं करना चाहते कुछ भी इनके साथ, तो आप काइंड ऑफ थोड़े से साइलेंट हो, अपने एनर्जी में हो, एंड ये पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्टेड है एंड आई फील लाइक ये एक्शन भी ले रहे हैं या लेंगे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि इनको थोड़ा सा और ग्राउंडेड या कमिटेड होना पड़ेगा आपके दिल जीतने के लिए या आपकी एनर्जी के साथ उनका एनर्जी मैच होने के लिए, ठीक है, जो फिलहाल मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है, बट स्टिल मैं कहूँगी ये पर्सन आपके आसपास ही रहेंगे. ओके, सो ये कहीं जाने वाले नहीं हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.